हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूँ अमेजिंग प्रसाद में। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी हिट कीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज हम जानेंगे टेलीफोन पर सबसे पहला शब्द हेलो क्यों बोलते हैं। हेलो का इस्तेमाल लोगों के बीच आपसी बातचीत बढ़ाने के लिए हुआ। 21 नवंबर 1973 से पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेलो डे मनाया जाने लगा। आजकल हेलो का इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से होने लगा है। हेलो इतना कॉमन है कि फ़ोन पर सबसे पहले बोला जाने वाला वर्ड हो गया है। ऐसे में आइए जानते हैं क्यों बोलते हैं फ़ोन पर सबसे पहले हेलो। फ़ोन पर हेलो बोलने की कहानी टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल से जुड़ी बताई जाती है। इन्होंने सिर्फ टेलीफोन का आविष्कार ही नहीं किया बल्कि इसकी भाषा सरल और छोटी बनाने के हर संभव प्रयास किया है। ऐसे में हेलो शब्द का जनक भी इन्हीं को माना जाता है। कहते हैं कि ग्राहम बेल अपने गर्लफ्रेंड माइग्रेट हेलो को बहुत प्यार करते थे और उन्हें प्यार से बस हेलो ही कहते थे। ऐसे में जब उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था तो सबसे पहले उस पर अपने गर्लफ्रेंड का नाम लिया था। ऐसे में कुछ समय बाद अमेरिकी आविष्कारक थॉमस एडिसन ने 1977 में पिट्सबर्ग के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एंड प्रिंटिंग टेलीग्राफ कंपनी के अध्यक्ष टीबीए स्मिथ को एक पत्र लिखा। एडिसन ने इसमें जिक्र किया कि स्वागत शब्द के रूप में हेलो शब्द बेहद सरल और अर्थपूर्ण है। ऐसे में स्वागत के रूप में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों को यह मानना है कि हेलो शब्द फ्रेंच के होलो शब्द जिसका अर्थ होता है रुको और ध्यान दो, इस बात को सच मानते हैं। ये तो था दोस्तों टेलीफोन पर हेलो शब्द बोलने के पीछे का रहस्य। और चलते चलते दो लाइन आप सभी के लिए, दोस्तों साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा शत्रु नहीं हो सकता, और आपके मुंह पर आपकी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आता है तो हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस टॉपिक में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।